राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सुर्खियों में बने हैं। आए दिन यात्रा के बीच राहुल गांधी के कई फोटो वीडियो सामने आते हैं। एक बार फिर राहुल चर्चा का विषय बन गए, वजह उनकी जैकेट। वैसे तो कड़कती ठंड में भी हमने राहुल गांधी को सिर्फ एक हाफ टी शर्ट में ही देखा है, वो भी सफेद, लेकिन वक्त वक्त पर राहुल गांधी अपने जैकेट को लेकर भी लाइमलाइट बटोर लेते हैं। ग्वालियर में राहुल ने रविवार को एक छोटी सी सभा की। न्याय यात्रा को लेकर ग्वालियर पहुंचे राहुल गांधी ने रविवार को एक निजी वेडिंग गार्डन में अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं के साथ साथ अग्निवीरों की समस्याएं भी सुनी। राहुल गांधी ने सभा के दौरान एक जैकेट पहना, सेना का जैकेट, इस वीडियो में देखिए। इसके जरिए राहुल ने कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार को अग्निवीर योजना को लेकर हमलावर होते देखा गया। राहुल ने सेना का जैकेट पहनकर अग्निवीरों की समस्याओं को सुना और केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, गांव में इज्जत मिलती थी, कैंटीन मिलती थी, शहीद हो जाता था, शहीद का दर्जा मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी, आदर मिलता था। सब लोग कहते थे, देखिए ये जवान था, ये शहीद हुआ, इसने अपने देश के लिए अपनी जान दी। अब अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, कैंटीन नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे। तो दो लड़कों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं, एक को ट्रेनिंग मिलेगी, पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, चार में से एक को पूरी ट्रेनिंग मिलेगी और तीन को सही ट्रेनिंग भी नहीं मिलेगी, छह महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर वो शहीद हो गया, अग्निवीर शहीद हो गया, उससे कहेंगे भैया, उसके परिवार से कहेंगे, देखिए ये तो शहीद ही नहीं है, वो है शहीद, वो जो अग्निवीर नहीं है वो है शहीद, ये अग्निवीर तो शहीद नहीं हुआ, इसको ना हम कैंटीन देंगे ना इसको पेंशन देंगे। तो ये सारे के सारे रास्ते एक के बाद एक 73% के लिए बंद किए जा रहे हैं। तो यही मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, मेरे मुताबिक यह अन्याय है आपके खिलाफ, इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।